वेलकम टू अबूज किचन। आज का एक कॉम्बो रेसिपी छोले भटूरे। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का कॉम्बो रेसिपी छोले भटूरे। भटूरे बनाने के लिए एक कप मैदा लिया, आधा कप दही और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच शुगर, पानी। और छोले बनाने के लिए छोले को मैं बॉयल करके रखा दो सीटी से। ऑयल यूज़ करूँगी, एक ऑनियन को बारीक चॉप करके रखा, एक टोमेटो प्यूरी बना के रखा, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फोड़ने के लिए एक रेड चिली, एक तेज़पत्ता, दालचीनी और तीन इलायची, आधा चम्मच जीरा, दो चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, खड़े मसाला तेज़पत्ता और जीरा ऐड कर दिया, रेड चिली को भी तोड़ के ऐड कर दिया। जो ऑनियन लिया वो ऐड कर देती हूँ। कलर 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। ऑनियन का कलर चेंज हो गया। अभी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ अच्छा टेस्ट जाने तक। अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब जो ड्राई मसाला लिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली, धनिया जीरा पाउडर, मसाला के साथ 1 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। और जो टमाटो को प्यूरी बना के रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स करके फ्राई कर दूंगी। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साइड से ऑयल जल रहा है। अभी जो बॉइल करके रखा था छोले को ऐड कर दिया और मसाले के साथ 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर दूंगी। मसाला के साथ मिक्स करके हो गया। अभी 1 चम्मच छोले मसाला ऐड कर देती हूँ। पहले मैं दिखाना भूल गया था, आप लोग को पास रहेगा तो दीजिए, नहीं तो जो सारे मसाला ऐड किया उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब पानी ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी जैसे रखेंगे उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। छोले मैं पानी ऐड कर दिया, अभी 10 मिनट्स बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। छोले बन के रेडी हो गया। अभी जो गर्म मसाला लिया वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। साथ में हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, गैस बंद करके साइड में छोड़ देती हूँ। अभी मैदा में नमक, शुगर और बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और जो दही लिया, दही पकड़, वो भी ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने को बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मल मल के सॉफ्ट डो बना लिया, बहुत ही सॉफ्ट बना। अब सेट होने के लिए 15 मिनट्स छोड़ देती हूँ। आटा सेट हो गया और एक बार मल लेती हूँ। ऊपर से आधा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया और एक बार मल के रेडी कर लेती हूँ। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ,
इक्वल फोर पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। बॉल्स बना लिया, अब बेल के रेडी करूंगी। रोलिंग पैन और बेलन ले लिया, थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ तो चिपकेगा नहीं। एक पार्ट लेके बटर और बेल के रेडी कर लेती हूँ। बटर फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से ही मैं गर्म होने के लिए रख दिया। बटर बड़ा ही होता है, इसके लिए बड़ा साइज ही बेल के रेडी किया। चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म हो गया, बटर फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से फूलने तक वेट करने का। ऐसे दबा दबा के देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया बटर फ्राई हो गया। एक साइड फ्लिप कर दिया। सेम प्रोसेस में सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे बटर फ्राई हो गया, एक प्लेट में निकल लिया। अभी जो छोले बना वो भी सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी छोले भटूरे का कॉम्बो बन के रेडी हो गया। बहुत ही कम टाइम में ऐसे बना के खा सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।